नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं वीके शुक्ला। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा जो पहले लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जा चुकी थी, वह परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द कर दी गई और उसको लोक सेवा आयोग फिर से रिशेड्यूल्ड करवा रहा मई के फर्स्ट वीक में। आज से लेकर 60+ यानी 60 दिन से ज्यादा का समय हमारे पास है और टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके लिए एक 65 दिवसीय क्रैश कोर्स RO AR O के लिए लेकर आ रहा है। यह परीक्षा महज एक परीक्षा नहीं दोस्तों, अपितु यह ऐसा सुनहरा अवसर है जो यदि आप इस अवसर को भुना सके तो जीवन में आपके चार चांद लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयोग की अब की जो परीक्षाएं, इस समय की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वह ऋणात्मक जो है मूल्यांकन के साथ, यानी नेगेटिव मार्किंग के साथ परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। लेकिन यह परीक्षा 2016 की है, नोटिफिकेशन 2016 का है दोस्तों। तो अब जो परीक्षा मई 2020 में आयोजित होने जा रही है RO AR O की, इस परीक्षा में आपको वही पुराने लाभ दिए जाएंगे, अर्थात जो है ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस परीक्षा में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इस परीक्षा का है, तो इस परीक्षा को हमें एक मौके की तरह से देखना है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो इसलिए टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ये जो 65 दिवसीय क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है दोस्तों, इस पर आप हमारे साथ जुड़िए और हम परीक्षा को लेकर जो हमारी रणनीति है, हमारी संस्थान की जो रणनीति है दोस्तों, वह यह है कि आपको वही मैटर, वही चीजें दी जाएंगी जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण होगी। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ही हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां से प्रश्नों को ज्यादातर रखा जाता है या पूछा जाता है। तो पहली जो प्लस पॉइंट है दोस्तों कि बिना किसी निगेटिव मार्किंग के यह परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है आपकी। और दूसरी प्लस पॉइंट दूसरा यह है कि इस परीक्षा में आने वाले और भी जो बदलाव लोक सेवा आयोग करना चाहता है, फिलहाल इस परीक्षा में कोई बदलाव नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस 2016 की जो भर्ती RO AR O की है, जो मई 2020 में प्रस्तावित है, होने जा रही है, इसके लिए कमर कस लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर दोस्तों अपने भविष्य को, एक सुनहरा जो मौका आपको मिल रहा है, उस भविष्य को संवारिए। आइए इसी क्रम में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें, आप के स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर, ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको लिखना है एंट्री RO/AR O और आपको इस नंबर पर 8736093317 पर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। जो भी प्रक्रिया एडमिशन की है, प्रवेश प्रक्रिया 4 दिनों तक खुली रहेगी, क्लासेस आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। समय नहीं बचा है दोस्तों हमारे पास, वक्त नहीं है गंवाने के लिए, वी डू नॉट हैव टाइम टू लूज। अब हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, तो इस चीज को, इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक बहुत ही बेहतर तरीके से सटीक रणनीति के साथ, सटीक दिशा के साथ, सटीक तैयारी के साथ मई में जो परीक्षा प्रस्तावित है, उस परीक्षा के लिए हम अपने कदम को बढ़ाएंगे। तैयारी करना है इस तरह से कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, मन में यह धारणा बना के रख लेनी है, मन में यह विश्वास रखना है कि अगर इस बार नहीं कर पाए तो अब हम कभी नहीं कर पाएंगे। डू आर डाई, ये मौका आपके लिए ऐसा है जो डू आर डाई का है, क्योंकि RO AR O की जो ये भर्ती है, इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो 2016 के विज्ञापन में परीक्षा में बैठे थे, अर्थात
इतने दिनों में जो परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है, ना तो संख्या इसमें बढ़ेगी, मीन्स उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ आपका कंपटीशन है जिनके साथ आपने पहले परीक्षा दी थी, तो उनसे बेहतर करने का और अधिक बेहतर करने का मौका आपको देने जा रहा है टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आइए, ये नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है एंट्री आरओ और एआरओ, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा जीएस का पोर्शन है। जीएस के पोर्शन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका संविधान। संविधान भारत, संविधान और राज्य व्यवस्था, जो भी हमारा जीएस की पोर्शन होती है, जीएस का जो पार्ट होता है दोस्तों, उस पार्ट में एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका यह हमारा सब्जेक्ट निभाता है, ठीक है। तो यह एक तो आपका जीएस का पोर्शन कवर करता है, ठीक है, और इसमें जो प्रश्न बनते हैं हमारी पढ़ाई की जो रणनीति है आरओ एआरओ का, क्योंकि यह क्रैश कोर्स है, एक टारगेट समय के अंदर इसे खत्म करना है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है, प्रैक्टिस सेट भी देना है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए विद इन टाइम हमारा प्रयास रहेगा कि विद इन टाइम सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए जाएं, ताकि आपको एक बेहतर तैयारी के साथ मई में जो परीक्षा प्रस्तावित है उसके पहले पहले आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को हम देखते हैं। देखिए, संविधान है क्या, यदि हम बात करें संविधान की परिचय का, एक जनरल इंट्रोडक्शन हमें लेना है कि वास्तव में संविधान है क्या, किसे आप संविधान कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो है वह कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। कॉन्स्टिट्यूट जो कि ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज, उसका एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूट, और उस कॉन्स्टिट्यूट शब्द से इस कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति हुई है, इस संविधान की रचना हुई है। यदि बात करें कि राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है दोस्तों मोड ऑफ गवर्नेंस, मोड ऑफ गवर्नेंस यानी शासन करने का तरीका, कैसे शासन किया जाएगा, शासन की व्यवस्थाएं क्या होंगी, शासन कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों को हम देखेंगे राज्य व्यवस्था के। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, यानी सरकार का गठन, तो सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार में कौन कौन होंगे, कितने मंत्री होंगे, कितने विभाग होंगे, तो सरकार कैसे बनेगी, बोले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, तो लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा का चुनाव सदस्यों का कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा, क्या योग्यता होगी, ये सारी चीजें हमारी क्या है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों संविधान की, कि संविधान हम किसे कहते हैं, व्हाट डज इट मीन संविधान, तो संविधान का अर्थ यदि कहें तो सिद्धांतों का समुच्चय है, सिद्धांतों का समुच्चय, एक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को आप कलेक्ट करके कलेक्टिवली एक जगह रख दीजिए, और जो सिद्धांत हैं उन्हीं का एक समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। और राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य व्यवस्था जो सिद्धांत यहां पर दे रहे हैं दोस्तों, इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल जो चीज यहां हमने लिखा है, सिद्धांत मींस कोई चीजें हमने लिख दी, लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, इसका जिक्र आपको कहां मिलेगा, सिद्धांतों में मिलेगा, इसका जिक्र कहां मिलेगा, सिद्धांतों में। चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन आयोग कराएगा, निर्वाचन आयोग व्यवहारिक अनुप्रयोग, निर्वाचन आयोग व्यवहारिक अनुप्रयोग हो जाएगा उसका,
चुनाव हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, निर्वाचक नामावली तैयार कराई जाएगी, निर्वाचन आयोग को पावर दिए जाएंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये व्यवहारिक अनुप्रयोग के अंतर्गत आती है। ठीक, हम बात करने यदि संविधान की, तो ये है हमारा संविधान जिसे आप कहते हैं ग्रैंड नॉर्म, ये हमारा संविधान है और सारा कुछ इसी संविधान के दायरे के अंदर रहेगा, सब कुछ इसी संविधान के दायरे के अंदर ही समाहित रहेगा, कुछ भी चीज इस संविधान के बाहर नहीं जा सकती है। और यदि मान लीजिए कोई भी चीज संविधान के बाहर चली गई, तो ये जितना हिस्सा बाहर गया है ये संविधान के बाहर है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी भी तरीके से कोई भी चीज, कोई भी तरीके का शासन व्यवस्था, कोई भी कानून जो हमारा सिद्धांतों का समुच्चय है, संविधान है हमारा, उस संविधान के दायरे के बाहर नहीं हो सकता है, उस संविधान के दायरे के बाहर हम जाने की अनुमति उसे नहीं देता है हमारा संविधान। देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी किसे है दोस्तों दी गई है, वो व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी गई है संसद को। देश कैसे चलेगा हमारा, इस बात का निर्धारण कौन करता है, इस बात का निर्धारण देश की नीति निर्धारक संस्था यानी जो संसद है हमारी, देश की नीति निर्धारक संस्था कौन है, संसद। संसद नीति निर्धारित करती है, नीति मींस कैसे नीति निर्धारित करती है, कानून बनाकर, बाय मेकिंग लॉ। तो कानून क्या है, समाज को विनियमित करने के लिए, समाज को कंट्रोल करने के लिए है। समाज कानून के लिए बनता है या कानून समाज के लिए, तो कानून समाज के लिए बनाया जाता है, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है, सोसाइटी को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। तो देश कैसे चलेगा इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। लेकिन एक और ऐसी संस्था है जो देश कैसे चलेगा इसका निर्धारण करता है, वह है दोस्तों न्यायपालिका। और न्यायपालिका में भी कौन, सर्वोच्च न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देश के नीति निर्धारक संस्था कौन है, संसद है। ये संसद इस बात का निर्धारण करती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। लेकिन इस संस्था के अलावा भी एक ऐसी संस्था है देश में जो यह निर्धारित करती है, जो इस बात को निर्धारित करती है कि देश हमारा कैसे चलेगा, वह है हमारा, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, कैसे कैसे सर्वोच्च न्यायालय की बात हम करें, उदाहरण हम आपको देते हैं, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण मीन्स लाइफ यानी जीवन, तो जीवन का अर्थ यहां पर, जीवन के अर्थ को आप एक्सटेंड करिए। जीवन तो आप तब भी जीते थे जब हमारे यहां अंग्रेजों का शासन था, लेकिन वहां जीवन क्या आपका गरिमापूर्ण जीवन था, क्या आपको आजादी थी, गरिमा था आपके पास, किसी भी प्रकार की सेल्फ रेस्पेक्ट थी, नहीं थी। तो यहां पर न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन, गरिमा पूर्ण जीवन मींस ऐसा जीवन जो पशुवत ना हो, पशुओं के समान नहीं जीवन, अपितु एक ऐसा जीवन जो एक इंसान के नाते, एक ह्यूमन होने के नाते आपको मिले। ठीक, दूसरा उन्होंने कहा दैहिक स्वतंत्रता, अब पर्सनल लिबर्टी है आपको, पर्सनल लिबर्टी, लेकिन ये लिबर्टी कैसी है, उन्होंने कहा इस लिबर्टी शब्द की व्याख्या उन्होंने की, यहां जैसे हमने कहा प्राण की, जीवन, तो जीवन में गरिमापूर्ण जीवन, तो गरिमापूर्ण जीवन में आपको स्वच्छ वायु, ये हर व्यक्ति का मानव अधिकार है,
स्वच्छ वायु मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सारी बेसिक नीड्स जो हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इन सभी आधारभूत आवश्यकताओं की चर्चा कहां पर मिलती है दोस्तों? इन आधारभूत आवश्यकताओं की चर्चा का जिक्र इस शब्द के अंतर्गत मिलता है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम है, अनाज सड़ रहे हैं, उत्पादन इतना अधिक है, लेकिन देश में क्या है? भुखमरी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट PIL दाखिल होती सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है केंद्र सरकार को, FCI के गोदामों में पड़ा हुआ अनाज सड़ रहा है तो देश की जनता भूखों क्यों मर रही है? आप फ्री में बांट दीजिए अनाज। That is known as the judicial activism, न्यायिक सक्रियता इसे कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका इस बात का निर्धारण करती है कि क्या देश की शासन व्यवस्था as per constitution चल रही है या नहीं चल रही है। और यदि नहीं चल रही है तो उसको चलाने की जिम्मेदारी संसद के साथ साथ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका को भी दिया गया है। दोस्तों यहां हम आपको बता रहे हैं कि संसद के साथ साथ देश की शासन व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, इसका निर्धारण संसद के साथ साथ सर्वोच्च न्यायपालिका भी हमारी करती है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कि जो संविधान है हमारा, तो यदि संविधान की बात करें तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान के टाइप्स क्या हैं? संविधान के प्रकार, यदि बात करें कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां देखिए सबसे पहले यदि बात करें तो लिखित संविधान की, लिखित संविधान एक संविधान का प्रकार है, अर्थात संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। लिखित भी होता है, होना चाहिए ही नहीं, मीन से लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। तो यदि लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान में यदि हम उदाहरण देखते हैं तो भारत का संविधान, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये कैसे हैं? लिखित संविधान, अर्थात यहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है वो लिखा गया है। और दूसरा अलिखित संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान का अर्थ क्या है? अलिखित संविधान का अर्थ होता है ऐसा संविधान जिसके बारे में कोई भी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी ना गई हो, अर्थात परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हो, परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित चीजें चली आ रही हो। तो उदाहरण अगर इसका देखते हैं अलिखित संविधान का दोस्तों, तो ब्रिटेन का संविधान। और अलिखित संविधान में दोस्तों संविधानवाद बहुत होता है। अलिखित देश का जो संविधान होता है, जिस देश का संविधान अलिखित होता है, वहां के नागरिकों में संविधानवाद बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? संविधानवाद अर्थात संविधान के प्रति उनकी निष्ठा जो है वह बहुत ज्यादा गहरी होती है। जैसे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में कोई चीज लिखी नहीं है कि कोई चीज लिखित फॉर्म में हो, लेकिन जो पहले से पूर्वतन काल से बहुत पुराने समय में राजा महाराजाओं की महारानी के समय से चला आ रहा है वो वैसे ही परंपरागत रूप से चल रहा है। यदि आप ब्रिटेन का संविधान उठा के देखिए तो वहां पर कोई भी चीजें लिखित रूप में नहीं है, परंपरा बहुत पहले समय से ऐसा हो रहा था, आज भी हो रहा और आगे भी होता जाएगा। ठीक, परंपराएं हैं ये, परंपराओं के अनुसार, परंपराओं पर आधारित जो संविधान होता है वह अलिखित संविधान होता है। अगला ये देखते हैं हम लिखित अलिखित, फिर इसके बाद आता है लचीला संविधान। लचीला संविधान अर्थात फ्लेक्सिबल है, आसान है, तोड़ दो जहां से मन करे, जब इच्छा करे, जो चीज करे वहां जोड़ दो घटा दो। उदाहरण भारत का संविधान, लचीला संविधान है भारत का। उदाहरण एग्जाम्पल 72 सालों की आजादी में 125 से अधिक संवैधानिक संशोधन,
लागू 103, परंतु यदि विधेयकों की बात करें तो करीब 125 से अधिक विधेयक हो चुके हैं। आसान है संशोधन करना, कठिन नहीं है। कठोर संविधान, आसानी से कुछ भी चीजें जोड़ी ना जा सके। यदि कोई संशोधन करना है तो प्रक्रिया इतनी जटिल कर दीजिए कि आप कुछ सोच ही ना पाइए। इतनी जटिल प्रक्रिया हो कि उसमें संशोधन करना आसान ना हो। उदाहरण अमेरिका का संविधान, भारत से पहले आजाद हुआ, परंतु आज तक मात्र 17 संविधान संशोधन है, क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि सोचते ही नहीं लोग संविधान संशोधन के बारे में। तो ये हो गया संविधान के प्रकार। अब हम देखते हैं कि संविधान में किन किन बातों की चर्चा की गई है या संविधान में क्या दर्शन छुपा हुआ है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, हमारे देश के जो नीति निर्माता थे उस समय के, उन्होंने जब संविधान को बनाया तो उस संविधान में किन किन चीजों का जिक्र किया, किन किन बातों का वर्णन किया संविधान में, आइए देखते हैं। 3 बातों का वर्णन मिलता है। 1 तो दिखता है दर्शन, मींस हमारे जो संविधान के नीति निर्माता थे उन्होंने क्या स्वप्न देखा था संविधान बनाने के पीछे, कि एक ऐसा हम संविधान बनाएंगे, एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहां पर ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, सभी में समरसता होगी, सभी धर्मों में समरसता होगी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो कुछ ऐसे प्रावधान उन्होंने भारत के संविधान में डाले, कुछ ऐसी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया जिससे उन नीति निर्माताओं का जो दर्शन है वो दिखलाई पड़ रहा है। कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं भारत के संविधान के जो भारत के संविधान के निर्माताओं के दर्शन को दिखलाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ये जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, यह प्रस्तावना क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हम अपने आप में सर्वशक्तिशाली होंगे, भारत के ऊपर किसी बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी ताकत का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। समाजवाद, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसा समाज जहां पर सभी एक समान हो, मींस ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो भी चीजें होंगी उनका समान वितरण किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द डाला हमने, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किस नीति पर चलेगा, राज्य सर्वधर्म संभाव की नीति पर चलेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा अपितु राज्य सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, जैन हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, हम सभी धर्मों को बराबर मान्यता देंगे, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार होगी, जनता प्रेरित करेगी, जनता के प्रति जवाबदेही बनाई गई, जो सरकार चुनी जाएगी वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। अगला जो पार्ट है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए दोस्तों वो मौलिक अधिकार कोई आम बात नहीं है, ये मौलिक अधिकार आपके जीवन
को जीने का आधार दिया है इन्होंने, स्वतंत्रताएं दी हैं, आजादी दी हैं आपको। क्यों? क्योंकि आजादी का अर्थ उनसे पूछिए जिन्होंने दासता का जीवन जिया है, जिन्होंने गुलामी की जीवन जिया है। यदि आपको 24 घंटे के लिए कमरे में कैद कर दिया जाए और सारा कुछ बहुत अच्छा दिया जाए, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके मन को एक शांति की अनुभूति होगी। ये मौलिक अधिकार छोटी मोटी चीजें नहीं है दोस्तों, ये भारत के संविधान के नीति निर्माताओं के दर्शन को प्रतिबिंबित कर रही हैं, उस संविधान के पीछे का दर्शन दिखा रही हैं कि उस समय जो हमारे नीति निर्माता थे उनके मन मस्तिष्क में क्या चीजें चल रही थी। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात कुछ ऐसे तत्वों को शासन में समाहित किया गया जिन्हें जब कोई सरकार शासन करेगी तो उन शासन में उन तत्वों को समाहित किया जाएगा। तमाम योजनाएं आप देखते हैं, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मातृत्व योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित माने जाते हैं। तो ये चीजें क्या हैं? संविधान निर्माताओं के का जो दर्शन है वो दिखलाता है। दूसरी जो बातें मिलती हैं वो मिलती है सरकार का गठन। तो सरकार के गठन में मिलती है कि सरकार का गठन कैसे होगा, ठीक है, अभी देखते हैं आगे सरकार का गठन कैसे होता है, विधायिका कार्यपालिका। तीसरी चीजें जो मिलती है वह विविध मिलती है, मिसलेनियस, बहुत सारी चीजें, नागरिकता, देश के लोगों को नागरिक कैसे, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, बहुत सारे आयोग आपको मिलेंगे पढ़ने को, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जो संविधान में जिक्र है जिन संस्थाओं का, ठीक है, उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। कुछ प्रकीर्ण चीजें मिलेंगी, मिसलेनियस चीजें, और अधिक जाकर संविधान में आपको मिलती हैं। तो यदि हम यहां पर देखें, हमने दर्शन मिलता है, तो संविधान का करीब 35% हिस्सा वो ऐसा कवर होता है जो दर्शन को दिखलाता है, और 50% हिस्सा संविधान का हमारा सरकार के तीनों अंगों से जुड़ा होता है। सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और 15% हिस्सा वो विविध चीजों से जुड़ा हुआ है। विविध चीजें बताई गई हैं, तमाम प्रकार के आयोग बताए गए हैं, केंद्र राज्य मध्य संबंध बताए गए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी विविध में। आइए इसके बाद देखते हैं संविधान, सरकार के अंग, सरकार का गठन कैसे होता है। सरकार मीन्स एक तो होती है हमारी संसद, एक होता है हमारा राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल। तो संसद में, संसद किससे किससे मिलके बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, जबकि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष। राज्य विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, विधानसभा तो कंपलसरी है सारी राज्यों में, और विधान परिषद। फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद है,
आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को भी भंग करने का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल वो पारित नहीं हुआ है। तो वर्तमान की बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। न्यायपालिका हमारी त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एक होता है पूरे भारत का, हाई कोर्ट एक स्टेट का हो सकता है या एक से अधिक स्टेट का ज्वाइंट हाई कोर्ट हो सकता है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट आखिरी यानी 25वां हाई कोर्ट है अमरावती। और यदि लोअर कोर्ट की बात करें तो लोअर कोर्ट में कई न्यायालय होते हैं, सेशन न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक न्यायालय, विशेष न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय, ये हमारी सरकार का गठन है। सरकार कैसे? कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के साथ मिलकर संसद का निर्माण होती है और राज्य विधानमंडल का निर्माण इनके साथ प्लस राज्यपाल महोदय। क्लियर? उसी तरीके से हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारे सरकार के अंग हैं। सेशन न्यायालय यानी जो फौजदारी मुकदमे होते हैं वो सेशन न्यायालय में चलते हैं। दीवानी न्यायालय जहां पे सिविल प्रकृति के यानी जो संपत्ति से जुड़े हुए विवाद होते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी विशेष पर्पज के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट आजकल देखिए आप रेप से जुड़े हुए मामले उनके लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित किए जा रहे हैं, जल्दी से निस्तारण हो, न्याय मिल सके लोगों को। विशेष न्यायालय SC ST के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना। पारिवारिक न्यायालय जो परिवार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, परिवार से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की का गठन किया गया। इन सारे न्यायालयों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यदि न्याय में विलंब माना गया है तो न्याय नहीं बल्कि अन्याय के समान है। यदि न्याय में विलंब माना गया दोस्तों तो वह न्याय नहीं, क्या है? अन्याय है। आज हमने देखा भारतीय राज व्यवस्था और संविधान क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को समझना जरूरी होता है कि ये इस विषय में है क्या, ठीक है, और उस विषय की चीजों को हमने यहां पर देखा। आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले हम आपको जाने से पहले यह बता दें कि एक मौका ईश्वर ने आपको दिया है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा RO AR O की एक बार हो चुकी थी, वह परीक्षा किसी कारणवश आयोग को रद्द करनी पड़ी है और वह परीक्षा पुनः मई में आयोजित होने जा रही है। तो दोस्तों यह एक मौका है आपके लिए, सुनहरा मौका दिया है आपके किस्मत ने आपको, और इस मौके को भुनाने का प्रयास करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एंट्री RO AR O लिखकर भेजना है और आपने प्रवेश को हमारी संस्था के साथ सुनिश्चित करके हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हम आपसे आपके सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।